अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अल्लाह करम से आप सभी ठीक होंगे। आप सबकी दुआ से हम भी ठीक हैं। यहाँ पे मैं साबिर को मसाज कर रही हूँ। मेरे रूम में सुबह सुबह ही धूप आ जाता है। ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है 7 बजे से। आप देख सकते हैं कितना अच्छा धूप आता है। धूप तो डेली आता है, पर आज 4-5 दिन से बारिश हो रही थी तो धूप ही नहीं आ रहा था। ठंडी भी शुरू हो गई है, तो ठंडी के दिन में बच्चे को अक्सर करके मसाज करना चाहिए। यहाँ पे मैं इसे मसाज कर रही हूँ सरसों के तेल से। ये मसाज ही नहीं कराता है, रोता है, भागता भी है, कराता ही नहीं है मसाज ही। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं उसे मसाज कर रही हूँ। साबिर को मसाज कर दी हूँ, वो थोड़ा खेलने लगा है। यहाँ पे मैं रूम साफ़ कर लेती हूँ। ये मुझे करने ही नहीं देता है, साथ में ही रहता है। कहीं भी जाती हूँ तो साथ में ही रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बिस्तर घड़ी कर रही हूँ, तो वो कपड़े तैयार रहा है। यहाँ पे मेरे पास भी आ गया है खेलने के लिए। आप देख सकते हैं ये आप सबको डरा रहा है। एक बार बार कैमरे के सामने आता है। आप देख सकते हैं आप सबसे बाय भी कर रहा है। यहाँ पे मेरा भाई उसे खिला रहा है। उसी के साथ में रहता है और किसी के साथ में भी नहीं जाता। अगर जाता है तो थोड़ा इसी के पास ही रहता है। साबिर स्कूल चले गए हैं, साहिल तो स्कूल जाते नहीं हैं। यहाँ पे मैं रूम साफ कर रही हूँ। मेरा बेटा आप सबसे बात भी कर रहा है। आप देख सकते हैं हंस रहा है। ये कैमरे के सामने बहुत इसे अच्छा लगता है जाना। यहाँ पे मैं सभी काम रूम का अच्छी तरह कर लिए हूँ। आप देख सकते हैं रूम को मैं साफ़ कर ली हूँ। यहाँ पे झाड़ू मार लेती हूँ। रूम साफ़ करके मैं हाल में झाड़ू मार रही हूँ। कपड़े बहुत ज़्यादा है, मुझे कपड़े भी धोना है। सुबह 11 भी है, इसलिए आज ही मुझे सारा काम निपटा लेना है। कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं, झाड़ू मैं मार ली हूँ। झाड़ू पोछा हो गया है मार के। यहाँ पर ऐसे कपड़े को मैं, कपड़े बच्चे या बड़े हों ऐसे ही उठा के सड़ देते हैं, सीधा भी नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारा कपड़ा है धोने के लिए। यहाँ पे मैं सभी कपड़े को मैं सीधा कर लेती हूँ। साबिर भी आ गया है खेलने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो भी, उसे बहुत अच्छा लगता है। मैं काम करती हूँ मोबाइल जैसे कैमरा के सामने जाता है ना, इसे बहुत अच्छा लगता है। सभी कपड़े को मैं सीधा कर ली। यहाँ पे मैं मशीन को भी सीधा कर लेती हूँ। ये टीवी कने हैं करंट में, ये आप देख सकते हैं इसे डांटो भी तो नहीं सुनता है। घर पे कोई भी नहीं रहता है, मैं ही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओके बोर्ड लगा रहा है। मशीन को मैं सीधा कर ली हूँ। इसमें मैं पानी डाल देती हूँ, कपड़े डाल देती हूँ धुलने के लिए। पानी डाल दी हूँ, इसमें मैं सरफ डाल देती हूँ और मशीन को ऑन कर देती हूँ। मशीन को मैं यहाँ पे ऑन कर दी हूँ। साबिर उसमें झाँक रहा है बार बार। आप देख सकते हैं कैसा वो झाँक रहा है। उसे कितना भी हटाओ तो हटता ही नहीं है, बहुत परेशान करता है ये। काम भी मेरा जल्दी होता भी नहीं है, इसे ही एक पूरा दिन लग जाता है पकड़ने में। यहाँ पर साबिर भी आप देख सकते हैं, साबिर के लिए यहाँ पर कुछ राशन मिलता है आंगनवाड़ी के तरफ से। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 1.5 लीटर 1.25 किलो होगा, ये दूध का पाउडर है, ये 50 ग्राम शक्कर है। यहाँ पे 1 किलो गुड़ देते हैं वो। आप देख सकते हैं कितना बड़ा है ये, ये 1 किलो का है। और 2 किलो का आटा देते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह ये पैक रहता है। इसमें बहुत सारे आटे मिक्स रहते हैं, जैसे दाल, गेहूँ, चावल, रागी, और इसमें भी है बाजरे का आटा। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह पैक हो के आता है। ये साबिर को आंगनवाड़ी के तरफ से मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुबह 11 है, सोचे थे पूरा काम कर लेंगे तो सब 11 ही मनाएंगे, तो घर का काम ही नहीं हो रहा है, पानी ही नहीं आ रहा है। पानी तो 1.5-2 महीने से नहीं आ रहा है। होना भैया आज नहीं कल, आज नहीं कल ऐसे बोलते हैं, करते नहीं हैं। कपड़े रखे थे मशीन में, वो भी मशीन को भी बंद कर दी। पानी थोड़ा भी नहीं आ रहा, घर का क्या भी काम नहीं हुआ।
बच्चे को भी स्कूल से आना हो गया, उनका इम्तिहान है इसलिए 12 बजे छुट्टी हो जाता है बच्चे का। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये पानी नहीं आता बहुत बेजार होता है, घर भी छोड़ने को नहीं होता है क्योंकि हम भाड़े पे रह रहे हैं, हमारी जब मर्जी होती है तो नहीं छोड़ने देते हैं, घर भी मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। आज की मेरी वीडियो आप सबको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। मिलती अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।